हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने टमी के फैट से परेशान हैं, अपनी लटकी हुई तोंड से परेशान हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, जितना हम अपने वेट से परेशान नहीं होते, उतना ही हम अपने टमी के फैट से परेशान होते। ऐसे में हम कोई अगर ड्रेस भी वेयर करते हैं तो उसकी हमारी परफेक्ट शेप नहीं आती। सो, ऐसे ही आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ जिससे आप अपने टमी का फैट जल्दी ही गायब कर सकते हैं। सो, आज के इस वीडियो का हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को स्ट्रेट करना है एंड जो हमारे टो है वो अपसाइड रहेंगे एंड हमें पीठ के बल लेटना है। देन फर्स्ट हमारे लेग अप होंगे, दोनों लेग को अपसाइड उठाना है हमें, कुछ इस तरीके से उठाना है। देन नीचे डाउन करना है, हमें फ्लोर पर टच नहीं करना है। अगेन सेम करेंगे। वन, जब हम अपनी लेग को अपसाइड उठा के लेके जाएंगे तो हमारी जो अपर बैली है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हमारे दोनों हैंड्स पे यूज होंगे, हमें दोनों हैंड्स एंड जो हमारी अपर बॉडी है उसको अपसाइड उठाना है। वन, देन डाउन, हमें फ्लोर पर लेग को नहीं टच करना है। टू, इसके भी हमें 15 के 4 सेट करने हैं। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उन्हें 15 के वो 2 सेट कर सकते हैं। जैसे जैसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, टाइमिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वो 15 के 4 सेट कर सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए हमें ऐसे ही लेटे रहना है। देन हमें अपने दोनों हैंड को नीचे बैक साइड रखना है। इसमें हमारे दोनों लेग यूज होंगे, दोनों लेग को अपसाइड उठाना है हमने। एंड देन हमें अपनी पूरी वेस्ट को ऊपर, जो हमारे हिप्स है उसको भी ऊपर की साइड उठाना है एंड देन डाउन लेना है। जब हमारी लैग ऊपर जा रही है तो जो हमारी टमी है, जो हमारे सेंटर की टमी है वो उसमें इफेक्ट पड़ रहा है। जब हम नीचे डाउन के साइड लेके आएंगे तो हमारी लोअर बैली है वो उस पर इफेक्ट करेगी। ये भी हमें 15 के 4 सेट करने हैं। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को बेंड करके कुछ इस तरीके से रखना है, नीचे रखना है हमें। एंड देन जो हमारे दोनों हैंड्स है हमें बैक साइड लेना है, अपनी बॉडी को बैक साइड लेके जाना है। एंड इसमें हमारे दोनों लेग्स ऊपर के साइड रहेंगे, हमें फ्लोर पे नहीं रखना है। फर्स्ट में हमें अपने दोनों लेग को और अपनी बॉडी को इनसाइड लेके आना है, देन पीछे लेके जाना है। इसको भी हमने 15 के 4 सेट करने हैं। जब हम इनसाइड आ रहे हैं तो इसमें हमारी जो अपर बैली है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जब हम नीचे डाउन स्ट्रेट करेंगे तो इसमें हमारी लोअर बैली है उस पर इफेक्ट करेगा ये। एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों हैंड्स को फ्लोर पर एक नीचे रखना है, हमें अपनी एल्बो बेंड नहीं करनी है एंड हमारे जो दोनों लेग है उसको टो पर लाना है हमें एंड अपनी बॉडी को अपसाइड उठाना है। फर्स्ट हमें राइट लेग यूज करनी है, राइट लेग की नी बेंड करके हमें आउटसाइड निकालना है राइट लेग को, देन वापस लाना है। सेम हमें लेफ्ट साइड करना है। ये भी हमें 15 के 4 सेट करने हैं। को
करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स को नीचे फ्लोर पर रखना है एंड देन हमें अपने एल्बो को बेंड नहीं करना है, दोनों हैंड को स्ट्रेट करके रखना है। फिर हमें अपने दोनों लेग को टॉप पर ला के अपनी बॉडी को अपसाइड उठाना है। फर्स्ट हमें अपनी राइट लेग यूज करनी है, राइट लेग को इनसाइड लेके आना है नी बेंड करके। ये भी हमें 15 के 4 सेट करने हैं। सेम हमें लेफ्ट करना है। इससे जो हमारी अपर बेली है एंड जो लोअर बेली है उसमें दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग की हमें नी बेंड करके कुछ इस तरीके से रखना है एंड अपनी बॉडी को बैक साइड लेके जाना है हमने, और जो हमारी बॉडी अपर बॉडी उसको स्ट्रेट करके ही रखना है। इसमें हमारे दोनों हैंड यूज होंगे। दोनों हैंड्स को फर्स्ट हमें लेफ्ट साइड लेके जाना है। जब हम अपनी लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो हमारे जो शोल्डर है, अपर बॉडी है, वो भी हमारी लेफ्ट साइड ही टर्न होगी पूरी। जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो हमारी शोल्डर टर्न होगी। इसको भी हमने 15 के 4 सेट करने हैं। इस एक्सरसाइज से हमारी जो लोअर बेली एंड अपर बेली है एंड जो हमारे टमी के जो साइड में भी फैट होते हैं, ये तीनों पे वर्क करेगा। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए हमें अपने दोनों हैंड्स को नीचे फ्लोर पर टच करना है। देन हमें अपने एल्बो को बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट करके रखना है। देन हमें अपने दोनों लेग को टॉप पर रखना है एंड अपनी बॉडी को अपसाइड करना है। फर्स्ट हमें अपने इसमें हिप्स को यूज करना है। हिप्स एंड हमारे वेस्ट यूज हो रही है। फर्स्ट हमें राइट साइड डाउन करना है, देन लेफ्ट साइड डाउन करना है। इस एक्सरसाइज से हमारी जो लोअर बेली है एंड जो हमारे हिप्स है, ये दोनों पे वर्क करेगा। इसके भी हमें 15 के 4 सेट करने हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए हमें सेम ऐसे ही प्लेसिंग पे आना है, अपने दोनों हैंड्स को नीचे फ्लोर पर टच करके। देन हमें अपने एल्बो को बेंड नहीं करना है। दोनों लेग को हमें अपने टॉप पर लेना है एंड बॉडी को हमें अपसाइड लेके जाना है। दोनों लेग को हमें पहले आउटसाइड ओपन करना है, देन हमें दोनों लेग को ज्वाइन करना है। ये हमें नॉन स्टॉप करते रहना है। इसके भी हमें 15 के 4 सेट करने हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग की नी बेंड करके हमें कुछ इस तरीके से रखना है, बट हमें अपने दोनों लेग को ऊपर के साइड उठा के रखना है, नीचे फ्लोर पर नहीं रखना है। हमें अपने बॉडी को बैक साइड लेके रखना है। हमें इसमें अपने दोनों हैंड्स का भी यूज करना है। दोनों हैंड्स को हमें नीचे के साइड डाउन करना है। हमें दोनों हैंड्स को ब्लेड हैंड बनाने हैं। इस एक्सरसाइज से हमारे पूरी टमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, लोअर टमी पे भी, और अपर जो बेली है हमारी उस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। ये भी हमें 15 के 4 सेट करने हैं। इसमें हमें अपने लेग को बैलेंस बना के रखना है। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए हमें पीठ के बल लेटना है। देन हमारे जो दोनों लेग है उसको, दोनों लेग को ओपन करके हमें नी बेंड करके रखना है अपने दोनों लेग को। एंड जो हमारी बॉडी है, हमें अपने बॉडी को अपसाइड लेके जाना है हाफ। इसमें हमारे दोनों हैंड्स भी यूज होंगे। दोनों हैंड्स को हमें अपने दोनों लेग के सेंटर में लेके जाना है। इसके भी हमें 15 के 4 सेट करते रहना है। इससे हमारी लोअर बेली, जो अपर बेली है, दोनों पे फिर वर्क करेगा। तो दोस्तों, इसी
इसी तरीके से आज की हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। इन एक्सरसाइज से आपके जो टमी का फैट है, जो लटकी हुई टोन है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इन एक्सरसाइज को आप अगर ओनली 15 डेज भी कर लेंगे तो आपको अपनी बॉडी पे यानी कि टमी पे जल्दी ही रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। सो आज की मेरी ये वीडियो एंड ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, आप मुझे ये कमेंट्स बॉक्स पर लिख के जरूर बताना। सो ऐसे आप मुझे फॉलो करते रहिए। जब तक आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा एवरीडे जो वीडियो बना रही हूँ उसमें क्या क्या न्यू एक्सरसाइज लेके आ रही हूँ। सो ऐसे आप मुझे फॉलो करते रहिए। अगर जो एक्सरसाइज आज मैंने आपको करवाई अगर वो किसी को क्लियर नहीं है, अगर कुछ डाउट है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। सो आज के लिए ही इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।